हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। सभी के लिए खुशखबरी, देश में आ गया मानसून। जानेंगे सभी राज्यों का हाल और कहां पर मूसलाधार बारिश होगी, कहां पर भारी बारिश होगी, जानते हैं। 25 जुलाई 2019 का अपडेट है। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में भारी बारिश हुई है और कहीं पर मध्यम बारिश हुई है। वहीं पर मुंबई में भी भारी बारिश हुई है, जहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आसाम में भी भारी बारिश हुई है, वहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसी का जो असर है मध्य प्रदेश और देश के सभी राज्यों में पड़ने वाला है, अर्थात अब मानसून सक्रिय होने वाला है। इसलिए जनता, किसान, सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। चलिए देखते हैं, हम आगे ये भी देखेंगे कि कहाँ किस राज्य में कितनी मूसलाधार बारिश होगी और कहाँ पर भारी बारिश होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। इंदौर में झमाझम बारिश, सुबह से छाए बादल, दोपहर को बरसे। अब तक 15 इंच बारिश हो चुकी है इंदौर में। बारिश से तापमान में आई गिरावट। 24 जुलाई 2019 को यह अपडेट आया है। लंबे इंतजार के बाद बुधवार को इंदौर में झमाझम बारिश हुई। आसमान में सुबह से छाए बादल, दोपहर बाद जमकर बरसे। इस सीजन में अब तक 15 इंच बारिश शहर में दर्ज की जा चुकी है और इसका असर धीरे धीरे प्रदेश के सभी जिलों में पड़ने वाला है। मालवा निमाड़ में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश हुई है और इसके लिए मालवा निमाड़ की जनता खुश हो चुकी है। सावन के महीने में अभी तक झड़ी देखने को नहीं मिली, लेकिन बुधवार को मालवा निमाड़ के कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। इंदौर, बड़वानी, देवास, महू, उज्जैन, खरगोन, खंडवा सहित कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज बारिश हुई। फसलों को बहुत अच्छा लाभ मिला और किसान भी खुश हुए। अलग अलग क्षेत्रों में करीब एक घंटे तक रुक रुक कर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हुई। मौसम विज्ञान भोपाल केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते मानसून की ये हलचल हुई और कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। इसका असर मुंबई में देखा जा रहा है। बता दें कि मुंबई से होते हुए इस हलचल का असर मालवा निमाड़ में भी देखने को मिला है। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, और वहीं पर बिहार और असम में बाढ़ आ चुकी है। 24 जुलाई 2019 को अपडेट आया है। मुंबई, महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। मंगलवार रात मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। ट्रैक पर डूबने से लोकल ट्रेन सेवा पर असर पड़ा है। मुख्य मार्गों पर जाम के चलते लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है। बुधवार को सुबह अंधेरी फ्लाईओवर पर बारिश के कारण 3 कार टकरा गई, जिनमें 8 लोग जख्मी हो गए। दूसरी ओर बिहार और आसाम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बिहार में बाढ़ और बारिश से अब तक काफ़ी लोग की जनमाल की हानि हुई है, इसलिए केंद्र सरकार अब इस पर नज़र बनाए हुए हैं और दोनों राज्यों के लगभग 1.09 करोड़ लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। देश में अब तक सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। 17 राज्यों में स्थिति गंभीर है। अब तक का मिजाज है, मतलब 8 जून से लेकर के आज तक की जो बारिश हुई है, इसके तहत 19% बारिश कम हुई है 17 राज्यों में। देखते हैं कहां पर बारिश कम हुई है और आगे आने वाले समय में कहां मूसलाधार बारिश होगी। देश में 1 जून से 23 जुलाई के बीच सामान्य से 19% बारिश कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 राज्यों में स्थिति गंभीर है, यहां बारिश का अभाव रहा। सामान्य तौर पर इस समयावधि में 375.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी केवल 304.5 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, जो कि बहुत कम है। लेकिन अब मिजाज बदलेगा। अब तक का रिकॉर्ड देखते हैं राज्यों में यह बारिश हुई अब तक कैसी बारिश, कितने राज्य। बेहद ज़्यादा बारिश कहीं पर भी नहीं हुई है। ज़्यादा बारिश मिजोरम, सिक्किम, दादरा एवं नगर हवेली में हुई है। सामान्य बारिश पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य बारिश हुई है। वहीं पर कम बारिश कहाँ हुई है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं दमन द्वीप में कम बारिश हुई है। बेहद कम बारिश मणिपुर और दिल्ली में हुई है और सूखा अभी तक कहीं पर भी नहीं पड़ा है। न तो ज़्यादा बारिश हुई है किसी भी राज्य में और न ही सूखा पड़ा है किसी भी राज्य में। ये 1 जून से 23 जुलाई तक का अपडेट है। अब हम देखेंगे
25 जुलाई से क्या होगा। आने वाले दिनों में कहां कैसी बारिश होगी इसका अनुमान। 25 जुलाई को मूसलाधार बारिश चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी। भारी बारिश कोंकण और गोवा, पश्चिम मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप तटीय और दक्षिण कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। मतलब मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश भी हो रही है। आप देख सकते हैं आपका राज्य भी इसमें शामिल होगा। ये 25 जुलाई का अपडेट है। अब 26 जुलाई को मूसलाधार बारिश कहाँ होगी, कोंकण और गोवा में होगी, आप ध्यान रखिएगा। और भारी बारिश मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी भारी बारिश होगी। 26 जुलाई को भी मूसलाधार बारिश होगी और भारी बारिश भी होगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका राज्य इसमें शामिल है या नहीं। पूरे देश के सभी राज्यों का वर्णन किया है मौसम वैज्ञानिकों ने। 27 जुलाई को मूसलाधार बारिश होगी कोंकण और गोवा में, और भारी बारिश मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और ईस्ट राजस्थान, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान और पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और मेघालय में भी भारी बारिश होगी और मूसलाधार बारिश भी होगी 27 जुलाई को। आप इसमें भी देख सकते हैं कि आपका राज्य भारी बारिश में शामिल है या मूसलाधार बारिश में शामिल है या नहीं। वहीं पर 28 जुलाई को मूसलाधार बारिश होगी कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम और मेघालय में, और भारी बारिश तटीय कर्नाटक, पश्चिम मध्य प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इस प्रकार से 25 जुलाई से 28 जुलाई तक सभी राज्यों का डाटा है जहां पर भारी बारिश और मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसमें कुछ राज्य सभी में शामिल हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 28 जुलाई में शामिल है भारी बारिश के, इसमें 27 जुलाई में मध्य प्रदेश भारी बारिश में शामिल है, 26 जुलाई में मध्य प्रदेश भारी बारिश में शामिल है, 25 जुलाई में मध्य प्रदेश भारी बारिश में शामिल है। इस प्रकार से कुछ राज्य ऐसे जो भारी बारिश में लगातार शामिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जानकारी थी। अब खुशी की बात है, भगवान से यही आशा है कि प्रभु 25 जुलाई से पूरे देश में बारिश कर दे, आपका लाख लाख शुक्रिया रहे। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगला वीडियो इसी प्रकार से आपको मिलेगा। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।